नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाभी जी। जीते रहो जीते रहो। बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। वैसे भाई साहब, आपने सजावट पर काफी खर्चा कर डाला। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जयमाला के समय दूल्हा और दुल्हन पर आप कोई खास स्टाइल में फूलों की बरसात करने वाले। जी हाँ भाभी जी, सही सुना आपने। हमने इस शहर के सबसे बड़े वेडिंग प्लानर को अपॉइंट किया है। इंतजाम तो ऐसा किया भाभी जी कि सालों तक पूरा शहर इस शादी को नहीं भूलेगा। वाह वाह वाह, शादी हो तो ऐसी है ना बेटा। जी आइए आइए, अंदर चलिए, आइए आइए बैठिए। अरे ये क्या भाई साहब, घर की सारी औरतें कहाँ चली गई? आपने कहीं उन्हें वनवास पर तो नहीं भेज दिया ना सबको? अरे भाभी जी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो औरतें वनवास को चली जाएं। ऊपर लेडी संगीत चल रहा है, वही मगन है सब। ओहो, इसका मतलब है मुझे आने में देर हो गई। हाँ थोड़ी सी, मैं जल्दी से जाकर शामिल हो जाती हूँ। हाँ, जरूर जरूर।
शोभा जी, आपकी आरती तो हर काम में नंबर वन है भाई। आज नजर जरूर उतारना उसकी। देखा सब लोग कैसे उसे एक ही टक देखे जा रहे हैं। बेटा जरा सुनना, वो लड़की जो यहाँ डांस कर रही थी वो कहाँ गई? कौन? आरती दीदी? वो तो रसोई में गई हुई है। आरती दीदी जी कहिए। सारे आलू काटने हैं? हाँ सारे, और इसके बाद गाजर भी। अरे ये क्या भैया, हलवे में काजू किसमिस तो दिखाई नहीं दे रहे। पीस कर डाले हैं बिटिया, कैसे देखेंगे? वाह 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 वाह। और ये बात बरातियों को कौन समझाएगा? वो तो यही कहेंगे ना कि हमने उन्हें खाली सूजी का हलवा खिलवा दिया। देखिए हमारी नाक मत कट पाएगा। चलिए इसमें ढेर सारे काजू और किसमिस डालिए। रहने दीजिए, हम ही डालते हैं। सुनिए भैया, हमने आपको आइसक्रीम तैयार करने के लिए कहा था, क्या हुआ? देखिए अगर एक मिनट में मैं आइसक्रीम लेकर ऊपर नहीं गई ना, तो पूरी की पूरी वायर सेना नीचे आ जाएगी। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, ऐसे नहीं, नो नो नो। जब तक मेरे पास बारी बारी से नहीं आओगे तब तक आइसक्रीम नहीं मिलेगी। चलो लाइन बनाओ। अच्छा तो बहुत जल्दी बूढ़े होने का शौक है आपको? क्यों 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 क्या? इतनी सारी आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स खाओगे तो सारे दांत गुल हो जाएंगे। तो बच्चों खाना तो दूर, ठीक से बात भी नहीं कर पाओगे। ओह आप तो उदास हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे। आज आपकी मानसी आंटी की शादी है ना, तो आज के दिन सब माफ। आपको टू टू आइसक्रीम्स चाहिए ना, पर आप जानते हैं ना एक आइसक्रीम के बदले एक किस, तो टू टू आइसक्रीम्स के बदले टू टू किस। सी राइट। रसोई का काम भी जानती है और बच्चों को भी अच्छी तरह से संभालना आता है। काफी होशियार है ये लड़की। अच्छा बच्चों अगर और आइसक्रीम चाहिए हो तो मुझे आवाज देना, मैं तुम सबके लिए और आइसक्रीम ले आऊंगी। ठीक है? ये! आती मुझे याद दिलाने के लिए। हाँ तो तू बच्चों से कम थोड़ी ना है। बच्चों को तो कान खींच के फिर भी कोई खिला दे, पर तुझे अगर कान खींचने से मना कब किया मैंने आपको? आपके लाड़ प्यार नहीं बिगाड़ा है मुझे, अब झेलिए। अच्छा झेलो। मैं तो मजाक कर रही थी। आरती दीदी आपको मानसी दीदी बुला रही है। हे भगवान मैं तो भूल गई, माँ मैं जाती हूँ। अरे बेटा खाना तो खत्म कर, बाद में खा लूंगी माँ, वरना 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 पूरा घर अपने सिर पे उठा लेगी। मैं जाती हूँ। आरती
क्यों मोहन, तुझे भी भागी ना ये लड़की? तू कहे तो बात पक्की कर दो। जैसा आप ठीक समझे। देखा तूने आशा, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और मेरे सामने कहता है जैसा आप ठीक समझे। इससे पहले कि मेरे मनचले का सर फिर जाए ना, मैं तो कहती हूँ तू बात छेड़ दे आज इस लड़की के बारे में। तू तो जानती है अच्छी तरह से, इतनी सुंदर और सुशील लड़कियों की ताक में लगे रहते हैं लड़के वाले। अरे मैं तो कहती हूँ इसी मंडप में मैं इस लड़की को शगुन देकर जाऊं अपने मोहन का। तू बात जल्दी से छेड़ दे बस। ये भी सही, इसी बहाने एक और लड़की का कल्याण हो जाएगा मेरे हाथों से। मानसी सॉरी आने में लेट हो गई, बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे थे ना इसलिए। फरमाइए आप हमें क्यों बुला रही थी? सुंदर तो दिखोगी पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ब्लाउज कुछ ज्यादा ही? ओ हेलो, जानबूझ के ऐसा सिलवाया मैंने। यू नो व्हाट, पति को अगर पहली बार में चित कर दो ना तो जिंदगी भर गुलाम बनकर आगे पीछे घूमता रहता है। नहीं तो टेबल पे रखे गुलदस्ते और बेचारी बीवी में ना कोई फर्क नहीं होता है, समझी? और वैसे भी तुझे तो मेरी थियरी मालूम ही है, लस्ट एट फर्स्ट साइट। अरे ऐसा जादू चला दो कि स्वर्ग से अगर अप्सरा भी उतर कर नीचे आए ना तो पतिदेव नजरें नीचे करके पूछे बहन जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देखिए मैडम, ये सारी हरकतें आप अपने उनके साथ ना अपने बेडरूम में कीजिएगा। आज आपकी शादी है, इतने सारे मेहमान है बाहर, थोड़ा शराफत से पेश आइए। जी नहीं, मैं बेशरम ही अच्छी। और वैसे भी शर्माने वर्माने का ठेका तो तूने ले रखा है ना, तभी तो लड़के तुझे पलट कर भी नहीं देखते। नमस्ते शोभा जी। जी मैं आशा, मानसी की किरमानी वाली बुआ की जेठानी। जी नमस्ते। कहिए। मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी थी आपकी बेटी आरती के बारे में। आप आरती को जानती हैं? लो जी, अगर मैं आरती को नहीं जानती हूँ तो आपसे बात करने ऐसी आ गई? अभी तो देखा है मैंने उसे, और रखने के लिए चावल के 4 दाने बहुत होते हैं। और रही बात जान पहचान की, अरे उसके लिए तो उम्र भर पड़ी है। लेकिन मैं भी ना बहुत बातों नहीं हूँ। दरअसल बात ये है कि वो बिमला भाभी जी है ना। अरे वो बिमला भाभी जी, शक्ति ट्रांसपोर्ट वाली बिमला भाभी जी, उन्होंने आपकी बेटी आरती को देखा और उन्हें तो बहुत भागे। मुझे बुलाकर बोली झट से जाकर बात करो, और मैं आ गई बात करने। अब बताइए क्या सोचा है आपने आरती के बारे में? कई जगह बातें तो चल रही हैं लेकिन अभी तक। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है कहीं बात चलाने की। लाखों में एक लड़का है मोहन। अरे मोहन बिमला भाभी जी का बेटा। रुकिए, देखिए। अरे वो काले सूट में लग रहा है ना राजकुमार के जैसा। अरे 3 ऑफिस है इंदौर में,
और पता है इंदौर में जितनी भी लड़कियां हैं शादी के लायक, उनके माँ बाप एक पैर पर खड़े हैं अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए मोहन से। पर मोहन है जो शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। वो तो आपकी बेटी आरती को उसने यहाँ देखा और भगवान ने क्या सद्बुद्धि दे दी उसे कि माँ के पूछने पर पहली बार में हाँ कर बैठा। कितनी जमेगी जोड़ी मोहन की और आरती की। और यकीन करिए आरती को ससुराल वाले पलकों पर बिठा कर रखेंगे। तुम्हें रिश्ता पक्का समझू? जी। अरे भरोसा रखो मुझ पर, 6-6 शादियां कराई हैं मैंने और सारी लड़कियां अपने ससुराल में बड़ी खुश हैं। आप तो बिल्कुल चिंता मत करो। जिन्हें बात ऐसी नहीं है, बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते तो। अरे क्यों नहीं पसंद करेंगे, बिल्कुल पसंद करेंगे एक दूसरे को। ना हमारे मोहन में कोई कमी है, ना आपकी बेटी आरती में कोई कमी। क्यों? आरती, मैंने तुम्हें जो काम दिया था याद है ना तुझे? जी जी मासी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। अरे 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 अरे, भागे कहाँ जा रही है? अब तो तुझे 2 मिनट के लिए मेरी सुननी होगी। और 2 मिनट क्यों? मैं तो कहती हूँ जिंदगी भर के लिए तुझे मेरी ही सुननी पड़ेगी। जी जी क्या? ओफो, यहाँ मेरे साथ बैठ ना, चैन की सांस ले ले जरा। देख तो क्या हालत कर ली तूने अपनी, कब से भाग दौड़ कर रही है मैं देख रही हूँ। सच्ची जैसे मैंने सोचा था ना, तू बिल्कुल वैसी है। ये रख ले। क्या हुआ ताई जी, आपको कुछ सामान मंगवाना है? माफ कीजिएगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लेना। ये मेरा बेटा है मोहन। और हाँ सुन, तू मुझे ताई जी मत कह, मम्मी जी बोल बेटा, मम्मी जी। और हाँ देख, तुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, हम बड़े हैं ना समझने समझाने के लिए, हम सब कर लेंगे। बस तू ये रख ले और जल्दी से मेरे पैर छूकर मेरा आशीर्वाद ले ले। ये नहीं हो सकता, ये क्या कह रही हैं आप? वही बता रही हूँ जो सच है। अरे क्या सोच रही है बेटा, तुझे पता भी है मेरा आशीष पाने के लिए कितनी लड़कियां तरस रही हैं? तू तो भाग्यवान है जो मैं खुद से होकर तुझे मौका दे रही हूँ। विमला भाभी जरा इधर तो आइए मेरे साथ, एक जरूरी बात कहनी है आपसे। ओफो आशा रुक ना, बात कर रही हूँ मैं। रख ले बेटा, शगुन को ना नहीं कहते, रख ले और जल्दी से मेरा आशीर्वाद ले ले। अरे ले ना। मैंने माँ को कहीं देखा है? माँ, मैं माँ को कहीं देखा है? अरे कितना प्यारा बच्चा है ये। माँ
क्या कर रहे हो बेटा, खुद भी गिरोगे और अपनी मम्मा को भी गिराओगे। माँ मैं वहाँ छुप रहा हूँ, अब अंकित को मत बताना हम वहाँ छुपा छुपी खेल रहे हैं। ओके ओके, अब आप जल्दी से छुप जाओ नहीं तो अंकित आपको ढूंढ लेगा। जी, मैं यही तो कहने आई थी आपसे, जिसे आप अपने घर की बहू बनाने की सोच रही हैं, वो तो एक बच्चे की माँ है। अरे और तो और, पति की छोड़ी हुई औरत है। इसके पति ने इसको तलाक दे दिया है। मैंने किया क्या है ताई जी? धोखा दिया है तूने, धोखा दिया है मुझे, समझी? बेटा मैं बताती हूँ क्या हुआ है। अरे तलाकशुदा औरत होकर कुंवारी लड़कियों के बीच में मटकती फिर रही थी, डोलती फिर रही थी और मुझसे पूछ रही है कि किया क्या है मैंने। ऊंची पूरी है, देखने में अच्छी खासी है, फिर तेरा पति तुझे छोड़कर क्यों चला गया? कोई ना कोई बात तो जरूर रही होगी। हाँ ये होगा कि तेरा चक्कर किसी और के साथ होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि तूने अपने पति को रिझाने में कोई कमी रख दी होगी। पति छोड़कर चला गया तो जरूरी है कि पत्नी का ही दोष हो, और आप कौन होती है मेरी बेटी में कमी निकालने वाली? इतने सारे लोगों के सामने जल्लीकट्टी सुनाने का किसने अधिकार दिया है आपको? आप तो चुप ही रहिए, जब हमने रिश्ते की बात की थी तब तो आप मुंह में दही जमा कर बैठी हुई थी, तब मुंह से फूट नहीं सकती थी कि लड़की शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। जो कसर रह गई थी सो तलाक से पूरी हो गई। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे एक बच्चे की माँ होना, तलाकशुदा होना कोई भयंकर बीमारी है। नहीं बनी पति पत्नी में, अलग हो गए, इसमें बुरा क्या है? बुरा तो वो है जो आप करने चली थी, मेरे बेटे मोहन के गले में अपनी तलाकशुदा लड़की को मरने चली थी। एक बात कान खोल कर सुन लो, अरे पति की छोड़ी हुई लड़की की गिनती कुंवारी लड़कियों में नहीं होती है, समझी आप? रिश्ता आपने भिजवाया था। अरे तो मुझे क्या पता था कि इसकी जन्म कुंडली क्या है, और इसे देखने के बाद तो अंदाजा ही नहीं हो सकता कि पति ने छोड़ा हुआ है इसे। और अगर मुझे पहले से पता होता तो इसकी तरफ एक नजर भी नहीं उठाकर देखती मैं। और आपने कैसे सोच लिया कि एक बच्चे की मां से शादी आप मेरे बेटे मोहन से करवाएंगी? अरे मेरे बेटे की शादी इससे कभी नहीं हो सकती। और मेरा बेटा तो क्या, मैं तो कहती हूं कोई भी समझदार लड़का होगा ना वो इस लड़की से तो शादी करेगा ही नहीं।
ये ऐसी ही रहेगी अकेली, इससे कोई शादी नहीं करने वाला, देख लेना। क्यों नहीं, जब एक तलाकशुदा मर्द दूसरी शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? अरे मर्दों की बात और है, और ये जो बेसर पैर की बातें आप कर रही हैं ना, ऐसी ही बातें आपने अपनी बेटी को सिखाई हैं। और यही बातें उसने अपने पति के साथ की होंगी तो बेचारा परेशान होकर भाग गया ऐसे छोड़कर। अरे बदकिस्मत है आपकी ये लड़की जो आप जैसी मां मिली से। और मैं तो कहती हूं खुशकिस्मत था वो लड़का जो इसे मुक्ति पा गया। बस आप जैसी औरतों की वजह से सास शब्द को गाली माना जाता है, और अब आपकी दकियानूसी सोच को बदलने का फैसला कर लिया है मैंने। आप आरती को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी ना, अब आप चाहे भी तो भी मैं अपनी बच्ची का रिश्ता आपके घर पर नहीं होने दूंगी। बहुत बोल चुकी हैं आप, आरती मेरी बेटी नहीं मेरी बहू है। जी ठीक सुना आपने, और जो लड़का इसे छोड़कर गया है ना, किस्मत उसकी खराब है जो इस हीरे को पत्थर का टुकड़ा समझ बैठा। आजकल की दुनिया में जहां जहां शादियों का टिकना मुश्किल हो गया है, वहीं आप जैसी सास को देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। आप आरती को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी ना, अब आप चाहे भी तो भी मैं अपनी बच्ची का रिश्ता आपके घर पर नहीं होने दूंगी। एक बार नरक जैसा जीवन बिताने के बाद मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बहू को फिर से यही सब कुछ भुगतना पड़े। आप जैसी औरतों की वजह से सास शब्द को गाली माना जाता है, और अब आपकी इस दकियानूसी सोच को बदलने का फैसला कर लिया है मैंने। अगर लायक लड़कों के लिए लड़कियों की कमी नहीं है तो मेरी आरती को भी एक से बढ़कर एक लड़का मिलेगा। अरे कौन नहीं चाहेगा आरती जैसे सुंदर सुशील और समझदार जीवन संगी में? आप भी यही हैं और मैं भी यही हूं, देखिएगा मेरी आरती की शादी होगी, उसका घर फिर से बसेगा। मैं करवाऊंगी अपनी तलाकशुदा बहू आरती का पुनर्विवाह।